are going to learn about the applications of autoradiography. In the previous lecture, we have discussed definition, principle, basic principle behind autoradiography and methodology of the radiography. किस तरीके से autoradiography हम perform करते हैं, उसका क्या principle है, ये सारे जो topics हम discuss कर चुके हैं previous lecture में. तो इस वाले lecture में हम discuss करेंगे applications के बारे में. Autoradiographic bioanalytical technique है, बहुत ही sensitive technique है, quantitative technique है. हम जो सैंपल है उसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी है उसे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि सैंपल जो है उसकी लोकेशन क्या है. इसीलिए जो बेसिक इसकी एप्लीकेशंस हैं वो लाई करती हैं टिश्यू लोकलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो हम इन विट्रो और इन विवो कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं. इन विट्रो का मतलब क्या है कि डीएनए को हमने या कोई भी सैंपल को हमने बाहर निकाला लैब के अंदर, एंड देन वी विल जो है उसको हम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइज करवाएंगे. इन विवो एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो सैंपल है उसके जो बॉडी है एनिमल की उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑरली या फिर इंजेक्शन के थ्रू रेडियो एक्टिव जो इमल्शन या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करा जाता है. तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है अब जहां जहां जाएंगे उन उन ऑर्गन्स की लोकलाइजेशन को हम स्टडी कर पाते हैं. तो इन विट्रो जो टेक्निक्स हैं जो लैब्स की हैं उसमें हम देख पाते हैं कि साइट एंड परफॉर्मेंस ऑफ टारगेटेड जो ड्रग है, जो ड्रग हमने टारगेट किया है बॉडी के अंदर उसकी परफॉर्मेंस और साइट क्या है, वो कौन सा उसका एक्शन जो है कौन सी साइट या कौन से ऑर्गन पर है. इट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए. डीएनए की वेरियस प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम यूज करते हैं. कोई भी सेल है उसके अंदर जो मेटाबॉलिक जो हमारा मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी साइट कहाँ है सेल के अंदर, वो पर्टिकुलर जो पाथवे है वो कौन सी साइट पर हो रहा है, सेल के अंदर कौन सी ऑर्गनली में हो रहा है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी ऑटो रेडियोग्राफी की जो बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग. इट इज ए फोरेंसिक टेक्निक. फोरेंसिक टेक्निक है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल्स बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर डीएनए. हर एक इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो डिफरेंट होता है. कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिनको हम वीएनटीआर्स और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स इससे बताते हैं वीएनटीआर. वीएनटीआर जो है वो हर एक इंडिविजुअल के डीएनए में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो डीएनए है हर एक इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो डिफरेंट होता है. तो फोरेंसिक टेक्निक की बात करें तो क्राइम सीन पर, तो जो क्राइम सीन है वहां से जो डीएनए मिलता है, या फिर जो पैटर्निटी के केस है यानी कि जो इंडिविजुअल या जो चाइल्ड है उसका फादर कौन है, इन केसेस में जो हमारे पास डीएनए होता है उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग की मदद से पता लगा सकते हैं कि किस इंडिविजुअल का वो डीएनए है. तो एंड में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग है इसको बाद में एंड में हम ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से ही क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और पता लगा पाते हैं. तो अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा सैंपल होगा चाहे वो हमें किसी क्राइम सीन से मिला है, चाहे किसी इंडिविजुअल का डीएनए है, चाहे वो कोई बायोलॉजिकल सैंपल है जैसे प्लांट सैंपल है या फिर कोई एनिमल सैंपल, जो भी हमारा सैंपल है जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है उसके अंदर से हम सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे. ये डीएनए का स्ट्रक्चर है. जो डीएनए है वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है. इट इज ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. इस तरीके से जो डीएनए है, इस तरीके से डीएनए सैंपल है. अब हमें पता है कि जो डीएनए है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस जो साइट्स होती हैं जिनको हमने रिकॉग्निशन साइट्स बोला है. ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट पर एक्ट करते हैं और इंडिविजुअल डीएनए को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ऑफ वेरिएबल लेंथ, अलग अलग लेंथ की फ्रेगमेंट्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं. इन अलग अलग लेंथ की फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे. डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से जो डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी. जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इट इज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. जो चार्ज, अब डीएनए हमें पता है डीएनए इज ए चार्ज्ड मॉलिक्यूल. जो डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए इज ए चार्ज्ड मॉलिक्यूल और उसको हम क्या करेंगे, चार्ज की हेल्प से जो है उसको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स को. तो जब हम सेपरेट करेंगे अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो जेल आती है हमारे पास
तो अलग अलग साइज के बेसिस पर, अलग अलग जो हमारा जो साइज है उसके बेसिस पर जो हमारा जो है डीएनए का क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ हमारे पास मार्कर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, अगर ज्यादा बड़ा डीएनए है, छोटा डीएनए है, इस तरीके से। अब देखो जो ज्यादा, अगर जो फ्रेगमेंट हमारे पास आई है, जो फ्रेगमेंट जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है वो हमारी कहाँ है, वो हमें सबसे एंड में मिलेगी क्योंकि वो सबसे जल्दी ट्रेवल करेगी। जो सबसे बड़ी फ्रेगमेंट है वो हमें कहाँ मिलेगी, ऊपर मिलेगी, टॉप पर मिलेगी, क्योंकि वो जो माइग्रेशन है उसकी स्पीड कम होती है। इस बेसिस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जेल का पैटर्न आ जाएगा। जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है वो बॉटम पर होगा और जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट है वो कहाँ होगा, टॉप पर होगा। अब हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमारा पैटर्न आया है डीएनए का, अब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थे, जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रेगमेंट थे, हम इनको क्या कर लेंगे, डीनेचर करेंगे। डीनेचर का मतलब क्या है कि जो हमारा डीएनए है इसको हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंगल स्ट्रैंड में कर लेंगे। डीनेचुरेशन का मतलब है व्हेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गेट सेपरेटेड। अब सिंगल स्ट्रैंड में जो ये डीएनए हमारे पास आ गया है, इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को जो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली, जो हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली इस तरीके से जो हमारी आई थी, हमारी इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो पैटर्न आया था जेल का, इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, इस तरीके से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को एम्बेड कर देंगे इस डीएनए के पूरे जेल के ऊपर। जब ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो इस डीएनए पे एम्बेड हो जाएंगी, तो अब उसके पास क्या होगा कि जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या आ जाएंगे हमारे पास, इस तरीके से डीएनए के बैंड्स आ जाएंगे। ये जो डीएनए के बैंड्स हैं, ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अब जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है जो हमारे पास आई है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब टू डीएनए सैंपल। जो हमारा डीएनए सैंपल था, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे, हम उसको किससे हाइब्रिडाइज करवाएंगे, डीएनए प्रोब से। अब डीएनए प्रोब होता क्या है, जो डीएनए प्रोब है वो एक डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल ही होता है। डीएनए प्रोब इज ए डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल, और आरएनए मॉलिक्यूल विद वेरिएबल लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है, इट कुड बी फ्रॉम 100 टू 1000 बेस पेयर्स, इतने बेस पेयर का होता है। और डीएनए प्रोब की एक बात है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दी डीएनए सैंपल वी आर स्टडिंग। जो डीएनए सैंपल, यानी कि जो डीएनए सैंपल हमारा डीएनए सैंपल है, उससे इसका स्ट्रैंड कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जो डीएनए हमने लिया है, ये जो हमने डीएनए लिया है, जो हमारा प्रोब है वो इसके साथ क्या कर देगा, हाइब्रिडाइज करेगा। वो इसके साथ क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा। हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद। लेकिन जो डीएनए प्रोब हमने लिया है वो कैसा लिया है, रेडियो एक्टिव, यानी कि जो हमारा डीएनए प्रोब था, उस डीएनए, अगर ये हमारा डीएनए प्रोब है तो इसमें क्या प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव जो है डीएनए है हमारा प्रोब जो है। अब जो ये रेडियो एक्टिव डीएनए है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा, बॉन्डिंग करेगा। हाइब्रिडाइज बॉन्डिंग होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जितना भी एक्सेस प्रोब है हम उसको वॉश कर देंगे। अब जो एक्सरे फिल्म डिटेक्ट हुई है, एक्सरे फिल्म जो हम लेंगे रेडियो एक्टिव पैटर्न को देखने के लिए, उसके बाद वी विल गो फॉर ऑटो रेडियोग्राफी। अब देखो क्या होता है कि इस तरीके से जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से अगर ब्लैक स्पॉट कहीं पर नजर आ रही है, अगर कहीं ब्लैक स्पॉट नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिविटी हुई है, रेडियो एक्टिविटी हुई है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, ब्लैक स्पॉट अराइज हुआ है। अब ऑटो रेडियोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल है और इसकी मेथडोलॉजी, वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सिर्फ क्या है कि ये जो डीएनए का पैटर्न हमारे पास आया है ऑटो रेडियोग्राम में या ऑटो रेडियोग्राफ पे,
उसको हम ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग जो है, या जो डीएनए हमारे पास है उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी हो, किस इंडिविजुअल का है, या क्राइम सीन पर जो भी हमारे पास स्पेसिमेन मिला है उससे हम पता लगा सकते हैं किस इंडिविजुअल का डीएनए है। तो ये जो बेसिक मेथडोलॉजी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। Thank you.